And assalamu alaikum 5th class, how are you? I hope you will be fine. 5th class, I am your science teacher. My name is Kiran. Ab aap science ki book open karein. Unit number 1, aaj aapka jo pehla lesson hai, pehla, the name of the unit is the characteristics of living thing. लिविंग थिंग की करेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ेंगे. सबसे पहले आप देख लें कि लिविंग थिंग्स होता क्या है. हर वो चीज़ जो सांस लेती है और ग्रो करती है और खाती है उसको लिविंग थिंग कहते हैं. जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं लिविंग थिंग, यानी कि जो सांस लेती हैं, खाना खाती हैं और बढ़ती हैं. यानी लिविंग थिंग्स आर दोज विच कैन फीड एंड ग्रो. लिविंग थिंग में एनिमल्स भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं, इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, बर्ड्स भी आ जाते हैं. सारे लिविंग थिंग जो जो फीड करते हैं और ग्रो करते हैं. अब आ जाए करेक्टरिस्टिक्स पे. करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं खसूसियात को, कि लिविंग थिंग की कौन कौन सी खसूसियात हैं. लिविंग थिंग की जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हैं मूवमेंट, फीडिंग, ग्रोथ. जैसे कि मैंने आपको लिविंग थिंग की डेफिनेशन बताई है. लिविंग थिंग की डेफिनेशन है एनीथिंग विच कैन फीड एंड ग्रो. यानी कि अब आप पहले हम करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि कितनी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो विच आर द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग. नंबर 1 इज मूवमेंट, नंबर 2 फीडिंग, नंबर 3 ग्रोथ, नंबर 4 एक्सक्रीटिंग, नंबर 5 रिप्रोडक्शन, देन सेंसिंग एंड देन रेस्पायरेशन. यानी कि ये वो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि तमाम लिविंग थिंग में मौजूद होती हैं. मूवमेंट लिविंग थिंग जो है वो हरकत करती हैं. फीडिंग वो खाना खाती हैं. ग्रोथ वो बढ़ती हैं. एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि ये प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए जिस्म के तमाम तरफ फासद मादे बॉडी से बाहर निकलते हैं. रेस्पायरेशन सांस लेने का अमल. रिप्रोडक्शन जो है वो किड्स को पैदा करने का प्रोसेस जो होता है. और सेंसिंग का मतलब है कि अपने एनवायरनमेंट में जो इर्द गिर्द की चीज़ें हैं उनको फील करना. दीज आर द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग. आज हम 2 पे फोकस करेंगे. 1 नंबर 1 इज़ द मूवमेंट एंड सेकंड 1 इज़ द फीडिंग. लिविंग थिंग की जो है आपको पता है कि लिविंग थिंग मूवमेंट करती हैं. यानी वो हरकत करती हैं एक जगह से दूसरी जगह. जैसे एनिमल हरकत करते हैं. कैसे हरकत करते हैं, उनकी हरकत में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. उनकी हरकत में आती हैं वॉक करते हैं, रन करते हैं, प्ले करते हैं, ईट करते हैं. मूवमेंट है ना ये उनकी. ईटिंग के लिए भी वो मूवमेंट करते हैं. जैसे आपके बाबा जाते हैं जो है वो अर्न करने के लिए वो बाहर जाते हैं. ईटिंग के लिए हम वैसे भी जो है मूवमेंट करते हैं. जैसे एनिमल्स हैं वो ईटिंग पर्पस के लिए मूवमेंट करते हैं, अपने प्रे को पकड़ने के लिए, अवॉइड डेंजर. और एक और चीज़, हम तब भी मूवमेंट करते हैं जब हम अवॉइड डेंजर कर रहे होते हैं. यानी कि हम किसी चीज़ से बच रहे होते हैं तो तब भी हम वॉक करते हैं, तब भी हम रन करते हैं. तो ये सारी चीज़ें मूवमेंट में आ जाती हैं. क्लियर है क्लास 5 क्लास. आज हम मूवमेंट पढ़ रहे हैं. मूवमेंट में मैंने आपको बताया कि एनिमल कैसे कैसे मूव कर सकते हैं. रन, वॉक, प्ले, ईट, अवॉइड डेंजर के लिए भी वो मूवमेंट करते हैं. नेक्स्ट पे आ जाएं. अब मूवमेंट ऑर्गन कौन कौन से हैं एनिमल्स में. एनिमल्स में फिशेस जो हैं वो फिन्स के ज़रिए हरकत करती हैं. विंग्स, बर्ड्स जो हैं वो विंग्स के ज़रिए हरकत करते हैं. पॉज, ये भी विंग्स होते हैं. और इसके बाद टेल्स के ज़रिए भी हरकत करते हैं. जैसे लिजर्ड है वो उसको मूवमेंट में हरकत टेल जो है उसको मूवमेंट में हरकत कर मूवमेंट में हेल्पफुल होती है ना. ठीक है क्लास. तो मूवमेंट तो एनिमल की मूवमेंट तो हो गई. आपको पता है प्लांट भी मूव करते हैं, लेकिन प्लांट एज अ होल नहीं मूव करते. जैसे एनिमल मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, लेकिन प्लांट जो है ना जहाँ पे लगे होते हैं, जहाँ पे उसकी रूट्स होती हैं, फिर आपको पता है कि वहाँ से एक प्लांट निकल आता है. ऐसा ऐसा उसका जो स्टेम है वो ट्रंक में कन्वर्ट हो जाता है. ट्रंक जो ब्राउन कलर का होता है, फिर बाद में उसकी ब्रांचेस तो मूव करती हैं ना, वो सन को फॉलो करती हैं.
सन रेज को फॉलो करती हैं, ठीक है। उनकी मूवमेंट एज अ होल नहीं होती, लेकिन वो मूव करते हैं, उनके कुछ पार्ट्स मूव करते हैं। जैसे सनफ्लावर है, वो सन के साथ साथ मूव करता है, जिस जिस जिधर सन जाता है उधर उधर उसकी डायरेक्शन चेंज होती जाती है। इसी तरह कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, उनकी डायरेक्शन जहाँ जहाँ सन जाता है वैसे उनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। और एक प्लांट, ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट होते हैं, वो इंसेक्ट को फॉलो करते हैं। उनकी जो ब्रांचेस होती हैं उनकी इंपॉर्टेंट इस तरह के पार्ट होते हैं जो कि मूव करते हैं, और वो अपने इंसेक्ट को पकड़ने के लिए मूव करते हैं, ठीक है। यानी कि प्लांट्स में भी मूवमेंट होती है, लेकिन ऐसी नहीं होती जैसे एनिमल्स में होती है। क्लियर क्लास? अब अपना पेज नंबर 1 पे आ जाएं, 5 क्लास। दिस इज़ ऑल अबाउट, आज हमने जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, मैंने आपको सारा जो एक एज अ होल इसको डिस्क्राइब कर दिया, इसको वन बाय वन हम रीडिंग करेंगे। लिविंग थिंग को देखें, लिविंग थिंग में ये सारा मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। इस वाले पोर्शन में उन्होंने सेल के मुतालिक बताया हुआ है कि तमाम लिविंग थिंग जो हैं वो छोटी छोटी सेल से मिलकर बनती हैं। सेल की डेफिनेशन आपके क्वेश्चन में होंगी जो आपको स्कूल से दिए जाएंगे। सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ, यानी कि तमाम एनिमल जो हैं वो छोटी छोटी सेल्स से पर मुश्तमिल होते हैं, और छोटी छोटी सेल्स जो हैं उनसे मिलके वो बनते हैं। लेकिन ये सेल्स जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ये देखेंगे एक स्टूडेंट जो है माइक्रोस्कोप के जरिए ये सेल को देख रहा है, यानी कि बहुत छोटे होते हैं जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। नेकेड आई, आम आई, कॉमन आई जो है, यहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंदर ग्लास लगे होते हैं। ग्लास के जरिए वो छोटी चीज़ जो है ना वो हमें मैग्नीफाई होके यानी बड़ी होके नज़र आती है, ठीक है क्लास। ये आपने फर्स्ट पेज की रीडिंग करनी है, और इसके इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे और जो वर्ड्स मीनिंग होंगे वो आपको जो है वो मैं थोड़ा सा करवा देती हूँ। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है खसूसियात, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे जानदार जो कि बहुत छोटे हों, सेल खुली को कहते हैं, प्री शिकार को कहते हैं। इसमें आपको जो भी वर्ड्स मीनिंग थे वो भी मिल जाएंगे, और क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 5 क्लास है आज, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और आज का जो इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि आप जो है आपने सुबह अर्ली उठना है, आपने फजर की नमाज़ अदा करनी है, और कुरान मजीद की तलावत भी रोज़ाना करनी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।